Okay, so the topic we are going to talk about today, that is percentage, right? Now, इस टॉपिक की हम बात करते हैं. दिस टॉपिक इज एन इम्पॉर्टेंट एज वेल एज अ बेसिक टॉपिक रिगार्डिंग कौन सेक्शन. नाउ व्हेन वी हेयर द टर्म कौन सेक्शन, यार डिफिकल्ट टॉपिक है या फिर डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्या क्या चीजें करनी होती है, राइट? सो ओवर देयर अगर हम चीजों को स्मॉल स्टेप्स में या फिर स्मॉल पार्ट्स में कंसीडर करते हैं, छोटी छोटी चीजों में पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, देन वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड ऑल्सो वी कैन यूटिलाइज दो स्मॉल थिंग्स वेन एवर वी आर डूइंग द कैलकुलेशन और वेन एवर डूइंग एनी पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. तो परसेंटेज एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो यूजफुल होता है रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स. तो अगर हम बात करते हैं परसेंटेज यूजफुल कैसे है रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स, तो परसेंटेज हम बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स में कैसे यूजफुल होता है. तो हम अगर लेट्स से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो अब एक बात आती है ना यार, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो परसेंटेज में ही होगा, तो हमें वहां पे भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना ही करना होता है. अगर हम बात करते हैं लेट्स से प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वहां पे भी जो प्रॉफिट या फिर लॉस का जो परसेंटेज होगा वो भी वैल्यू परसेंटेज में होगी. वहां पे कैलकुलेशन वहां पे देखने को मिलता ही मिलता है. तो ऐसे वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे परसेंटेज हमें हेल्पफुल होता है. तो अगर हम समझना चाहें कि परसेंटेज का यूज हम कर तो रहे हैं, पर इसको इन सिंपल टर्म्स हम समझें कि परसेंट किस तरीके से देखने को मिलता है कैलकुलेशन में, तो परसेंट का जो लिटरल मीनिंग निकलता है वो होता है पर हंड्रेड सेंट यानी सेंचुरी, यानी हम बात कर रहे हैं पर हंड्रेड कैलकुलेशन की. मतलब जो भी कैलकुलेशन है उसको आप हंड्रेड से कंपेयर कर रहे होगे, जो भी कैलकुलेशन आप उसको हंड्रेड से कंपेयर कर रहे होगे. अगर मैं कह रहा हूं 10%, इसका मतलब निकल के आता है 10/100. ये कुछ बेसिक कैलकुलेशन हो रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 10% की, लेकिन किस वैल्यू की 10%. तो ये जो कैलकुलेशन होता है वो इस तरीके से नजर आएगा, लेट्स से 10% ऑफ एनी स्पेसिफिक वैल्यू, वो कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है. अगर मैं कह रहा हूँ 10% ऑफ एक्स, आपको एक्स का 10% निकालना है. अगर मैं कह रहा हूँ 10% ऑफ 500, आपको 500 का 10% निकालना है. सो दैट इज हाउ वी डू द कैलकुलेशन, ठीक है? इस कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करेंगे? नाउ फॉर दिस पार्ट इट विल बी लाइक 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन और एक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा. अब कोई दूसरी वैल्यू होगी क्वेश्चन में तो आपको वहां पे वो पुट करनी होगी. अगर मैं कह रहा हूँ 500 का 10%, इट विल लाइक 10/100 इनटू 500, ऐसा नजर आएगा कैलकुलेशन. तो उस तरीके से हम उतना वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम और सिंपल शब्दों में समझना चाहे तो क्या कहेंगे कि अगर मैं कह रहा हूँ 10% ऑफ एनी स्पेसिफिक वैल्यू, तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मैं किसी चीज के 100 इक्वल पीसेस करूंगा, 100 इक्वल पीसेस करूंगा, उसमें से अगर मैं 10 पीसेस ले लेता हूँ तो मेरा 10% कहलाएगा, 20% ले लेता हूँ वो मेरा 20% कहलाएगा. तब किसी भी चीज के 100 इक्वल पीसेस करो, उसमें से 10% ले लो आपका 10%, 20 लिया 20%, 50 लिया 50%, कुछ इस तरीके से आप इसको लिटरल मीनिंग्स में आप समझ सकते हो, ठीक है? एंड फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, अगर मुझे 10% चाहिए किसी भी वैल्यू का, तो आप उसको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करोगे. 15% चाहिए, तब क्या करोगे, 15/100 इनटू दैट वैल्यू कर दोगे. कुछ इस तरीके से आप उस कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहे होगे, ठीक है? सो दैट्स आउटपुट भी. आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू अ कैलकुलेशन फॉर अ नंबर. लेट्स से इफ आई हैव टू फाइंड आउट कि लेट्स से मुझे 20% ऑफ 500 चाहिए, मैं कैसे करूंगा इस कैलकुलेशन को? आई विल बी लाइक 20/100 इनटू 500, कुछ ऐसा करूंगा कैलकुलेशन. सिंपली इसको कट करना है तो यहाँ पे ये कट होगा 5 टाइम्स, और कितना वैल्यू आएगा, 100 आएगा. तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया, 20% ऑफ 500 फाइंड आउट किया, यानी जो वैल्यू आई 100. ऐसे किसी भी रैंडम वैल्यू का 20% निकाल सकते हो आप, किसी भी रैंडम वैल्यू का 20%, 30%, कुछ भी निकालना आप निकाल सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो. ये हो गया इसका कैलकुलेशन का बेसिक तो तरीका. अब अगर आप बोलोगे सर अगर ये वैल्यू कुछ अलग हुई, ये वैल्यू कुछ अलग हुई, तो कैसा होगा? इट्स इफ आई हैव टू फाइंड आउट
22.5% ऑफ 500, अगर मुझे जानना है 22.5% ऑफ 500, नाउ हाउ डू आई कैलकुलेट दिस इन द सिमिलर पैटर्न। अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, 22.5 अपॉन 100 इंटू 500, ये एक चीज मैं कैलकुलेशन में ला सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मुझे इस कैलकुलेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस कैलकुलेशन में। एक तो ये तरीका हुआ, यहाँ पे 5 करो और इसको इंटू 5 कर दो, यू विल गेट द आंसर, आपका वैल्यू मिल जाएगा। सिंपली आप 22.5 सा करोगे, फिर 0.5 इंटू 5 करोगे, आपका वैल्यू मिल जाएगा ऐड करके। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन डू वन मोर थिंग, हम एक और चीज कर सकते हैं क्या। अगर मुझे पता है दैट इज द टोटल वैल्यू विच इज 500, जो मेरी टोटल वैल्यू है कितनी है 500, आई कैन से कि द कंप्लीट वैल्यू यानी 100% वैल्यू जो भी है मेरी वो कितनी है 500 है। अगर मैं पूछूं आप मुझे इसका 10% दे दो, तो यानी ये 10% कुछ ऐसा मिलेगा, यानी एक जीरो कम किया है वहां पे भी एक जीरो कम कर दो, कितना आ गया 50 आ गया, 10% वैल्यू कितनी आई 50 आ गई। अगर मैं पूछूं 20% वैल्यू दे दो, तो 20% वैल्यू कैसे आएगी इसका डबल, यानी 20% कैसे आएगा इसका डबल यानी 100 आ जाएगा, तो आपको 20% तो वैल्यू मिल रही है, दैट इज ऑल्सो गुड। अगर मैं पूछूं मुझे 5% दे दो, तो आप 5% कैसे निकालोगे, इसका हाफ करोगे, 10 का हाफ 5 होता है, अब 5% निकाल सकते हो कितना आएगा 25। वही मैं बोलूँ 2.5% दे दो, तो 2.5% में निकाल सकते हो कैसे, इसका हाफ करके यानी 12.5 करके। तो ये सारे कैलकुलेशन आपको दिमाग में करने हैं, पेन पेपर पर नहीं करना है, सब कैलकुलेशन कहाँ पे करना है, दिमाग में करना है, ताकि आप चीजों को इजिली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, जितना अवॉइड करोगे पेन पेपर उतना ज्यादा आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा, उतना कैलकुलेशन आप फास्ट कर पाओगे। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया इस कैलकुलेशन के लिए, हमने चीजों को पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। नाउ आई गॉट टू नो कि मैं 20% कितना बोलूंगा 100 बोलूंगा, 2.5% कितना बोलूंगा 12.5 बोलूंगा, आई जस्ट हैव टू ऐड देम अप टू फाइंड आउट 22.5%, दिस इज हाउ मच 112.5, सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन करना होगा मुझे, और वो भी एवरीथिंग इन माइंड ओनली। ठीक है ना, सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द कैलकुलेशन और डू द कैलकुलेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू जो भी हमें ढूंढनी है। मुझसे 57.5%, 57.2%, फिर 61.2%, कुछ भी निकालना है आप सिंपली चीजों को पार्ट्स में ब्रेक करो, है ना, यू विल गेट द आंसर। अगर मैं कह रहा हूँ मुझे 31.7% चाहिए, तब क्या करोगे, 30% निकाल सकते हो चलेगा, आप 1% निकाल सकते हो चलेगा, आप 0.7% अलग से निकाल लो हो जाएगा। सो दैट इज हाउ यू कैन डू द कैलकुलेशन, आप इजिली वहां पे कैलकुलेशन परफॉर्म करके चीजों को निकाल सकते हो। ठीक है ना, यस। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ वी हैव अ कैलकुलेशन जहां पे अपने को ढूंढना है या फिर कंपैरिजन करना है, ठीक है, उससे पहले अगर मैं आपको बोलूँ एक क्वेश्चन कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चन तुम देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्या कह रहा है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, इस कैलकुलेशन को देख रहे हैं हम लोग। पहला दूसरा क्वेश्चन, इफ पी परसेंट इज पी इज 36, पी परसेंट ऑफ पी इज 36, देन पी इज इक्वल टू व्हाट, पहला क्वेश्चन, 80% ऑफ ए इज 50 एंड पी इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन मिल रहा है वहां पे कंपैरिजन क्रिएट किया जा रहा है, जो कैलकुलेशन मिल रहा है वहां पे क्या मिल रहा है, कंपैरिजन क्रिएट किया जा रहा है। अब उस कंपैरिजन को हम कैसे लेंगे ताकि हम यहाँ पे वैल्यूज डिराइव कर पाए, उसके लिए हम समझेंगे कि चीजें कैसे देखने को मिल सकती है हमें, उसके लिए हम देखेंगे चीजें हमें कैसे देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं कहूँ आई हैव टू कंपेयर द वैल्यूज, अगर मैं कहूँ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, अगर मैं ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, अब इस कैलकुलेशन में मुझे पता होना चाहिए मुझे किसको किससे कंपेयर करना है, इधर आई हैव टू कंपेयर ए विद बी और बी विद ए और समथिंग लाइक दैट। तो हमें सिर्फ एक तरीका पता होना चाहिए जो कि हर जगह यूटिलाइज होता है जब भी हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। अब सबको पता होगा कि परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं जब हम बात करते हैं कि एग्जाम में कितने परसेंट मार्क्स आए, सबको पता है। उस सिचुएशन आप क्या करते हो, आप करते हो जितने मार्क्स आपको ऑब्टेंड हुए हैं, आउट ऑफ टोटल
100 कर देते हो, सिर्फ ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो और आपको पता हो जाता है कि आपको कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं। दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर हम समझ लें कि मार्क्स ऑब्टेंड ऊपर क्यों है और टोटल नीचे क्यों है, तो हम ये पता कर पाएंगे हर एक सिचुएशन में कि कौन सी वैल्यू न्यूमरेटर में आएगी, कौन सी वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी। क्योंकि जब भी हमें कंपैरिजन करना है, जब भी हमें परसेंटेज निकालना है, तो इसी तरीके से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू 100 होता हुआ नजर आएगा। और हम पता कर ले कि न्यूमरेटर में कौन और डिनोमिनेटर में कौन है, तो हमारी हर एक कैलकुलेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। जब हम देख पा रहे हैं अपने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल इनटू 100 हो रहा है, तो पहली चीज कि डिनोमिनेटर की बात कर लो कि डिनोमिनेटर में कौन है, दैट इज टोटल। टोटल वहां पे क्यों है? क्योंकि वो एक कंपैरिजन पॉइंट है, क्योंकि वो एक क्या है, कंपैरिजन पॉइंट है, जिसके कंपैरिजन से हम बता रहे हैं कि हमारी वैल्यू कितनी होगी, क्या उससे कम होगी, क्या उससे ज्यादा होगी, क्या उसके इक्वल होगी। ये तीनों चीजें हो सकती हैं। कभी हमारी वैल्यू टोटल के बराबर भी हो सकती है, कभी हमारी वैल्यू टोटल से कम भी हो सकती है, कभी हमारी वैल्यू टोटल से ज्यादा भी हो सकती है। अब बोलोगे सर मार्क्स ऑप्टेड टोटल ज्यादा कैसे हो सकते हैं? हाँ भाई, इस वाले एग्जाम्पल में नहीं होगा, पर किसी और एग्जाम्पल में तो हो सकता है ना। हमारे मार्क्स या तो टोटल के इक्वल होंगे या तो उससे कम होंगे, लेकिन ज्यादा तो होंगे नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में अगर जब मैं ए और बी को कंपेयर कर रहा हूँगा, तो क्या पता ए के पास ज्यादा पैसे हों और बी के पास कम पैसे हों, उस सिचुएशन में ए और बी का कंपेरिजन तो होगा ही होगा। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते उसके पास ज्यादा तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा, दैट कांट बी अ थिंग ना। ये सुनो, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि ए के पास ज्यादा पैसे हैं, बी के पास कम पैसे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो हम कंपेरिजन नहीं करेंगे। सो दैट कांट बी अ थिंग, बट कंपेरिजन तो फॉर्म करना पड़ेगा। तो हमें इसलिए पता होना चाहिए बी यानी डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो वहां पे वो वैल्यू आती है जिससे हमें वो कंपेरिजन को शो करना है, और न्यूमरेटर में वो वैल्यू आती है जिससे मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, सो एक बार मैं लिख देता हूं यहां पे, न्यूमरेटर में कौन आता है? कंपेयरिंग वैल्यू आएगी और नीचे कंपैरिजन पॉइंट आता है। इनटू 100 आपको चाहिए तो आप ये नोट कर लो या तो लिख लो। ठीक है, सो हमें ये दो चीजें पता होनी चाहिए, न्यूमरेटर पार्ट में कौन सा वैल्यू आएगा जिसको मुझे कंपेयर करना है, और डिनोमिनेटर पार्ट में कौन आएगा जिससे मुझे कंपेयर करना है। सो इन दिस सिचुएशन व्हेन आई हैव रिटन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, इन दिस सिचुएशन आई शुड बी नोइंग कि मुझे ए को बी से कंपेयर करना है बाय रीडिंग द स्टेटमेंट। अगर मुझे ये समझ में आ रहा है देन आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो इन दिस सिचुएशन आई एम गेटिंग टू नो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी मींस ए शुड बी इन न्यूमरेटर, बी शुड बी इन डिनोमिनेटर एंड इन 200 द कैलकुलेशन शुड शो दैट कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। वाइस वर्सा सिचुएशन हुई, यानी बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, ऐसा कुछ पूछा गया तो सिचुएशन तुरंत रिवर्स हो जाएगी, यानी बी अपॉन ए इन 200 नजर आएगा। इस कैलकुलेशन के थ्रू हम पता कर पाएंगे कि बी ए का कितना परसेंट है। नाउ इफ द सिचुएशन इज डिफरेंट, नाउ कि द अमाउंट दैट ए हैव इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मनी दैट ए एंड बी हैव। नाउ इन दैट सिचुएशन अगर मैं कह रहा हूं कि ए के पास जो पैसा है वो ए और बी के टोटल मनी के बराबर कितना परसेंट है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ए अपॉन ए प्लस बी कर रहे होंगे इन 200। अब ये समझ में आया ये क्यों हो रहा है ए प्लस बी नीचे? क्योंकि हम टोटल की बात करें, ए और बी का जो टोटल अमाउंट है उसमें से कितना परसेंट ए के पास, और वाइस वर्सा बी के पूछा गया, तो बी अपॉन टोटल ऑफ ए एंड बी इन 200 हो जाएगा। तो इसी मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन आने वाला है। अगर ये आपको पता चल गया तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, दैट्स आउटपुट बी। तो आपको आई होप ये सिचुएशन समझ में आई, जब हम कभी भी कंपैरिजन प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी गिवन सिचुएशन में, तो कौन न्यूमरेटर में आएगा और कौन डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि यही आइडेंटिफिकेशन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। इज इट ओके गाइस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ एज वी वर सीइंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, सो अगर मुझे इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या पूछ रहा है, टू इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। इस क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व करना है, टू इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। नाउ जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक द स्क्रीन इज नॉट विजिबल, लेट मी प्रेजेंट दैट स्क्रीन एज वेल।
Okay, so this is the question I'm saying. The question number three, it is asking who is what person of 50. In this situation मुझे करना क्या, सिंपली मुझे सिर्फ ये देखना है कि 250 का कितना परसेंट है. इन दिस सिचुएशन आई शुड नो मुझे कंपेयर किसको करना है और किससे कंपेयर करना है. तो आई हैव टू कंपेयर व्हाट, आई हैव टू कंपेयर टू विद व्हाट, टू विच वैल्यू, 250 ओनली. इट विल बी लाइक 2 upon 50 into 100. दिस शुड बी द कैलकुलेशन, दैट्स इट. ओके, सो इफ वी कट 2 is 4, तो आई एम गेटिंग 2 is 4% of 50. दैट्स हाउ आई कैन डू द कैलकुलेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. आई एम गेटिंग द आंसर इज 4. ओके, नाउ इफ आई आस्क यू टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2, इट इज लाइक इफ पी परसेंट ऑफ पी इज 36, देन पी इज इक्वल टू व्हाट, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. अब इस सिचुएशन को जैसा मैंने पिछले वाले स्लाइड में आपको समझाया कि पी परसेंट ऑफ पी, यानी अगर मैं बोलूं 10% of 100 या फिर 10% of x, तो हम उस कैलकुलेशन को लिखते कैसे. इस कैलकुलेशन को लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, पी परसेंट यानी पी अपॉन 100, ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ पी ओनली, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज इक्वल टू 36. यही मिल रहा था ना हमें, बराबर है. अब इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू, सिंपली व्हाट वी कैन डू, अगर पी और पी मल्टीप्लाई होंगे इट विल बिकम पी स्क्वायर, 100 इधर जाके 3600 नजर आएगा. दैट्स हाउ इट विल बी. नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट पी, सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रूट ऑफ 3600 ओनली, वी हैव टू डू द रूट ऑफ 3600 ओनली. सो इन दैट सिचुएशन व्हाट शुड आई डू, आई एम गेटिंग अ वैल्यू ऑफ पी एज व्हाट, 60. पी का वैल्यू कितना आने वाला है, 60 आने वाला है, ठीक है ना. सो दैट्स हाउ वी कैन डू द कैलकुलेशन, ठीक है. इस तरीके से हमने ये कैलकुलेशन को परफॉर्म किया और हमें पी का वैल्यू कितना मिला, 60 मिल गया, ठीक है. नाउ लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ पे इस सिचुएशन में हमें तो किसी की वैल्यू पता नहीं है एग्जैक्टली, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए. तो यहाँ पे सिचुएशन में अगर हम देखना चाहें और समझना चाहें कि 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, तो यहां पे समझो अगर ए को मान लूं मैं, इफ आई एम अज्यूमिंग ए एज 100, उसका 80% कितना होगा, उसका 80% तो 80 होगा, विच इज 50% ऑफ बी, जो कि बी का सिर्फ और सिर्फ 50% वैल्यू है, यानी आधा वैल्यू है. तो बी का एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए, बी का एक्चुअल वैल्यू उसका डबल होना चाहिए. इट मीन्स बी का एक्चुअल वैल्यू उसका डबल यानी 160 होना चाहिए, यस और नो. अगर मैं ए को 100 बोलूंगा तो बी कितना निकल के आएगा, 160 आएगा, एग्जैक्टली. So, इस सिचुएशन में अगर मुझे जानना है कि बी इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए, तो बी ए का कितना परसेंट है ये जानना है मुझे. इस कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, सिंपली हम चेक करेंगे बी अपॉन ए इन 200. हम क्या करेंगे, बी अपॉन ए इन 200, जो कि हमें क्या देगा वैल्यू, हमें देगा 160% वैल्यू देगा. दैट इज हाउ वी कैन डू दिस कैलकुलेशन, ठीक है. आप दूसरा वैल्यू लोगे ए और बी का तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं है, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है ना. सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है. सो वी जस्ट टुक द सिंपल नंबर्स ताकि हम जल्दी से कैलकुलेशन कर पाए. अब 200, 400, 1000 वैल्यू कुछ भी लेने वाले, इफ यू आर टेकिंग दैट वैल्यूज फिर भी आपका आंसर मिलने वाला है. ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन डू द कैलकुलेशन. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल. सो इट इज आस्किंग द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे. नाउ When we say a day, it means we are talking about 24 hours. When we are talking about 24 hours, out of that we have a time duration of 1 hour 45 minutes. तो वो कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा भाई कितना परसेंट बनता है वो. तो कैसे करेंगे, तो 1 hour 45 minutes है तो हमें उस 45 minutes को भी आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट वी हैव टू डू. तो 1 hour इज ओके भाई, 45 minutes यानी 45 by 60, दैट्स इट. 3 जा 4 जा, दैट्स हाउ इट इज. सो नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 plus 3 by 4, दैट्स व्हाट आई हैव. सो नो बेसिकली वी हैव
7/4 hours, वी हैव 7/4 hours इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, जो हमारे पास है टाइम ड्यूरेशन वो कितना है 7/4 hours। नाउ इसके आगे क्या करना होगा, इसके आगे तो मैंने आपको बताई है कंपैरिजन कैसे फॉर्म करना है। वी हैव अ वैल्यू इन टर्म्स जिसको मुझे कंपेयर कराना है, और कंपेयर किससे कराना है, डी की वैल्यू से, यानी 24 आवर से कंपेयर कराना है। हाउ शुड आई डू, सिंपली हैव टू डू 7/4 upon 24 into 100, दैट्स इट, दैट्स हाउ इट विल बी। सिर्फ इतना ही काम करना है। नाउ वेन एवर वी हैव वैल्यू लाइक दिस, तो हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे, तो दिस कैलकुलेशन बी लाइक 7 upon this much into 100, दैट्स हाउ इट विल बी। वी हैव द कैलकुलेशन लाइक दिस, सिंपली सिर्फ इतना ही करना है अपने कैलकुलेशन पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, द वैल्यू वी हैव एज 7/48, द वैल्यू वी हैव एज 7/48। नाउ अब यहाँ पे अगर हम अप्रोक्स कैलकुलेशन के लिए जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली भी है 1s and 7s, अप्रोक्सीमेटली एमसम, ठीक है, क्योंकि 7 7s 49 होता है। अप्रोक्सीमेटली वी हैव अ वैल्यू एज 1/7। तो अगर हम 1/7 की वैल्यू जानना चाहते हैं कि 1/7 कितना होता है, तो कितना होता है 1/7, दैट वी हैव टू नो, वो भी हमें पता होना चाहिए, ऐसा नो। उस वैल्यू के लिए अगर हम जाते हैं तो कितना वैल्यू देखने को मिलता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। इस सिचुएशन में हमें वैल्यू देखने मिलती है अप्रोक्सीमेटली 14%, अप्रोक्सीमेटली 14% वैल्यू हमें देखने को मिलती है। सो इन दैट सिचुएशन अगर हम बात करते हैं तो कितना वैल्यू देखने को मिलेगा, दैट वी हैव टू नो। इस कैलकुलेशन एग्जैक्टली अगर हम परफॉर्म करने जाते हैं तो क्या आएगा, जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट मेड अ मिस्टेक, इट जस्ट 4 ना, आई जस्ट मेड इट मल्टीप्लाई बाई 2 ओनली, इट विल बी 96, जस्ट अ सेकेंड, तो इट विल बी 96 ना, ओके, आई जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2, सो इट शुड बी 96, सॉरी, ठीक है, सो इट शुड बी 96। सो वी कैन कट इट नाउ। सो अगर इसको हम फर्दर कट करते हैं, देन विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू एज 7.29, ओके, विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू एज 7.29, ओके, वी जस्ट हैव टू लुक फॉर दैट मल्टीप्लिकेशन, विल गेट दिस कैलकुलेशन एंड फाइनली विल गेट द आंसर एज 7.29, दैट इज द ऑप्शन 2, दैट इज 7.292%, ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज। सो एज वी अंडरस्टूड ओवर हियर इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, दैट व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट कि हाँ भाई ये वैल्यू दूसरे वैल्यू कितना परसेंट है, देन वी हैव टू डू दैट सिंपल कैलकुलेशन, दैट ए अपॉन बी इन 200 और एक्स अपॉन वाई इन 200, मतलब एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से कंपेयर होगा और इन 200 होकर हमें वो परसेंटेज फॉर्म में वैल्यू देने वाला है, सो दैट्स हाउ इट इज, ठीक है ना। ओके नाउ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, द क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज, 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो, एंड 20% ऑफ नंबर ऑफ मैंगो आर एप्पल, एंड इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज आर 1500 देन द नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। अब बेसिकली हमें यहाँ पे एक अप्रोक्स कैलकुलेशन या फिर एक रैंडम नंबर पिक करना है, लेट्स से 100 और 200 और 1000, समथिंग लाइक दैट, और लेट्स टेक एक्स ओनली, I'm assuming to be total X, then out of that 60% उसका पता करना, for 25% and so on, we have to go ahead. So that is how we can do the calculation. Finally, we have to find out with this help, जो 1500 value दी है, उसकी help से हमें वो value derive करना होगा, ठीक है? तो on the first go, what we can assume is the total trees in the garden has let's say 100X, that we can assume. Out of that, 60% of trees are coconut trees. यानी I can say 60x are coconut. Furthermore, we are getting the value as 25% of the number of coconut trees are mango. अब इसका 25% कितना होगा? इसका 25% basically 15 आएगा. यानी we can say 15x trees are mango one.
3x आर मैंगो वन, यस। फर्दर मोर व्हाट इज आस्क्ड कि भाई उसका 20% जो मैंगो का है वो एप्पल है, इसका 20% कैसे निकलेगा? इसका 10% आप बता सकते हो, 1.5, सिंपल एज दैट। इसका डबल कर दो कितना आएगा, 3। सिंपली यू कैन से 3x आर व्हाट एप्पल वाज। सिंपल टर्म्स में हमने पता कर लिया है 3x आर एप्पल, तो यहाँ पे भाई 3x का मिल चुका है। अब दैट वैल्यू जो एप्पल ट्रीज की वैल्यू 1500 के बराबर है, तो आई कैन से इफ 3x इज इक्वल्स टू 1500 देन व्हाट डू आई नीड, आई नीड द टोटल, तो आई नीड 100x वैल्यू, दैट्स व्हाट आई नीड। वो क्वेश्चन मार्क है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी 1500 इनटू 100 अपॉन 3, दैट्स इट। 3 से कट करूंगा भाई, 5 टाइम्स आएगा, 500 इनटू 100 कितना आ जाएगा, एक और द आंसर है 50,000, दैट इज ऑप्शन 2। सो दैट्स हाउ वी कैन डू दिस कैलकुलेशन, ठीक है। सो शुरुआत में हमने क्या किया, 100x अज्यूम करा, फिर उसमें से कोकोनट ट्रीज पता कर लिए भाई 60% है, फिर उसका 25% मैंगो है वो हमने पता कर लिया, फिर उसका 20% एप्पल है वो हमने वो भी पता कर लिया, एंड फाइनली जो वैल्यूज गिवन है कि हाँ इतने एप्पल के ट्रीज हैं, विद दैट हेल्प वी गॉट द टोटल ट्रीज इन द गार्डन। दैट्स हाउ इट इज। सो क्वेश्चन क्या करता है, जो गिवन इंफॉर्मेशन होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन डिफरेंट वेरिएशन, ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स की हेल्प से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। हाँ ये वैल्यूज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो वैल्यूज वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एंड फाइनली वो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज प्रोवाइड करता है कि हाँ ये वैल्यूज के इक्वल हो जाएगी तो इतना मिलेगा आपको। दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द अननोन वैल्यू इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें पता करना है हाँ कोकोनट कितना है, वी कैन गेट द वैल्यू, हमें पता करना है मैंगो कितना एग्जैक्टली, वी कैन गेट दैट वैल्यू एज वेल। सो दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। इस तरीके से हम वो उस रिलेशनशिप को फॉर्म करेंगे और वो वैल्यूज ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। दिस वन इज सेम, गिवन ए इज 50% लार्जर देन सी, इस सिचुएशन को समझना जरूरी है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा है कि हाँ जब भी हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो हम करते क्या है, हम कंपैरिजन शो करते हैं। अब उसी कंपैरिजन में जब हमने शो किया कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी और बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए और टोटल और समथिंग लाइक दैट, इन दैट सिचुएशन अगर हम उस एग्जाम्पल को फिर से एक बार गो थ्रू करें, जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं ए और बी का, इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए अपॉन बी टू 100 नजर आ रहा है, इफ आई एम सेइंग लेट्स से ए हैज 120 रुपीज एंड बी हैज 100 रुपीज, तो मैं सीधी सी बातें कह सकता हूँ ए इज 120% ऑफ बी, ये तो मैं बता सकता हूँ। इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि ए के पास 20% ज्यादा वैल्यू है, इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है, ए के पास 20% ज्यादा वैल्यू है। यही अगर मैं इसको उल्टा शो करता हूँ कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो क्या होगा, बी अपॉन ए इंटू 100, जितना भी कम आएगा आई कैन से कि बी से ए के पास इतना परसेंट कम वैल्यू है, वो हम पता कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो लार्जर और स्मॉलर टर्म्स में दिया गया है इन द क्वेश्चन नंबर 7, जब कहा जा रहा है गिवन ए इज 50% लार्जर देन सी एंड बी इज 25% लार्जर देन सी। इस सिचुएशन में हम अजम्पशन किसका लेंगे, हम सी का ही अजम्पशन लेंगे, उसी की हेल्प से ही ए और बी को डिराइव करेंगे। अगर मैं मान लूं कि सी के पास 100 रुपीज है, ए के पास कितना होगा, 50% लार्जर वैल्यू होगा, मतलब 50% ज्यादा वैल्यू होगा, तो कितना होना चाहिए उसके पास, हाउ मच शुड इट हैव, इसके पास होना चाहिए 150, और बी के पास कितना ज्यादा होना चाहिए, बी के पास 25% यानी 125 होना चाहिए। समझ में आई चीज, जब इंफॉर्मेशन मिली ए इज 50% लार्जर देन सी तो हमने सी से 50 ज्यादा दे दिया, और बी के पास 25% ज्यादा है तो उसको 25 ज्यादा देते हैं, दैट्स इट। आप दूसरा नंबर अज्यूम करोगे फिर भी नंबर्स आपको वैसे ही देखने मिलेंगे जो इस रिलेशनशिप में देखने को मिल रहा है। आगे क्या कहा जा रहा है, देन इज व्हाट परसेंट ऑफ ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी, यानी अगर मैं कहूँ ए अपॉन बी इंटू 100 बता दो मुझे, चलेगा, ए अपॉन बी इंटू 100 जब मैं करूंगा इट इज विल बी 150 अपॉन 125 इंटू 100, ये कैलकुलेशन तो करूंगा ही करूंगा मैं, उसको मैं 5 से कट कर सकता हूँ, 5 से कितने टाइम, 6 टाइम्स, ये आएगा 5 टाइम्स, वी आर गेटिंग अ वैल्यू एज 6/5, वी आर गेटिंग अ वैल्यू एज 6/5, तो आई कैन सी
कि इसके पास 1/5 एक्स्ट्रा नजर आएगा, दैट मीन्स 20% एक्स्ट्रा नजर आएगा। लाइक यार कंफ्यूजिंग हो रहा है, व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे एग्जैक्टली बताओ ना 20% आ कैसे रहा है। तो अगर मुझे बताना है कोई भी वैल्यू, किसी भी वैल्यू से बड़ी कितनी है फिर छोटी कितनी है, तो इन सिंपल टर्म्स मैं एक चीज कर सकता हूँ कि अगर मैं बोलूं कि ए इज हाउ मच ग्रेटर, तो हम सिंपली ये देख सकते हैं, अगर मुझे सिर्फ ये बताना होगा कि ए कितना बड़ा है तो हम सिंपली क्या करेंगे, ए और बी का कंपैरिजन कर रहे होंगे कि ए के पास कितनी वैल्यू ज्यादा है, बी के पास कितनी वैल्यू कम है। हम सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 कम ज्यादा है, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर मुझे बताना है, इन टर्म्स ऑफ अगर मुझे परसेंटेज बताना है तो मुझे क्या करना चाहिए, हम वहां पे वैल्यूज का कंपैरिजन देखेंगे कितना कम है फिर ज्यादा है, लेकिन साथ साथ ये भी देखेंगे कि मुझे कंपेयर किससे कराना है, इस सिचुएशन मुझे किससे कंपेयर कराना है, बी से कंपेयर कराना है, तो वो तो कंपेरिजन पॉइंट यानी डिनोमिनेटर में होना ही चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर में कौन होगा जिसे मुझे कंपेयर कराना है, यानी कितना बड़ा है फिर कितना छोटा, ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आप परसेंटेज निकालोगे, क्या न्यूमरेटर में कौन आएगा डिनोमिनेटर में कौन आएगा, ये मैंने 2-3 बार आपको पहले बताया, समझ में आ रहा है। तो यानी अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो हम यही बताएंगे कौन कितना बड़ा है फिर छोटा है, बेसिकली आप बोल सकते हो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी अपॉन में कौन आएगा, यहाँ पे बी आएगा फॉर दिस कैलकुलेशन, क्योंकि हमें बी से कितना बड़ा छोटा बताना था इन 200। सो इस सिचुएशन को आपको याद रखना है, ठीक है, फॉर दिस कैलकुलेशन वी हैव डिफरेंस एज 50 अपॉन 125, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, वी हैव डिफरेंस एज 25 ओनली, तो डिफरेंस इज ओनली 25 बिकॉज इट हैज 150 टाइम्स 25, 125 अपॉन में 125 आएगा इन 200, दैट्स हाउ वी कैन फॉर्म द कैलकुलेशन राइट, 25 अपॉन 125, तो ऑब्वियस सी बात है 1s एंड 5s, तो 1/5 इज 20%, नाउ लाइक 1/5 20% क्यों नजर आ रहा है, फॉर दैट वी हैव टू गो थ्रू दैट फ्रैक्शन टेबल जहां पे हमें पता होता है कि हाँ 1/2 50% है, 1/3 33.33% है, 1/4 25% है एंड सो ऑन, ठीक है, आई शो यू दैट टेबल एज वेल, दैट इज इन द बुक इन द पेज नंबर 24, दैट यू कैन गो थ्रू, यू कैन सी दैट थिंग ऑन द पेज नंबर 24 ऑफ द अकाउंट्स बुक, जहां पे आपको देखने को मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट परसेंटेज वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट परसेंटेज वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ कौन सी वैल्यू कितना परसेंट होती है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 20% आ गया, ठीक है, अगर आप बुक में गो थ्रू कर पा रहे हो वो चीज आपको देखने को मिल रही है अच्छी बात है, अगर नहीं है देन आई विल शो यू दैट थिंग ऑन द स्क्रीन एज वेल, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर आपका ओके सो एज आई रिटन दिस टेबल एंड विच एज वी कैन सी दैट 1/2 इज 50%, 1/6 30.33%, 1/4 इज 25%, 1/5 इज 20% एंड सो ऑन,
ओके सो कैन सी दिस थिंग, आपको ये टेबल याद रखनी है, गो थ्रू करनी है, बिकॉज वी कैन यूज दिस टेबल फॉर द कैलकुलेशन पर्पस व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, आपको ये टेबल याद रखना जरूरी है. ठीक है ना, सो दैट्स हाउ इट इज. अगर आपको ये टेबल गो थ्रू करते हैं, याद रखते हैं, तो काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए. जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा ही कि भाई 1/5 की अपने को जरूरत पड़ी, तो 20% निकल के आ रहा है. वही अगर मैं बोलूँ यार 3/5 या 4/5 कितना होने वाला है, तो उसका 3 गुना है, फिर 4 गुना अपने को करना है. दैट्स इट. ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास वैल्यू है एज लेट्स से 2/11 कैलकुलेशन में आ रहा है, इफ आई नो 1/11 कितना है, उसका ट्वाइस ही करना है मुझे. दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. तो बस दैट इज व्हाई एम सेइंग यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस टेबल, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल जब हम कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है ना, ओके नाउ लेट्स सॉल्व द डिफरेंट क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन बाय 11 नाउ. If I'm talking about question number 11 now, so this question is saying in a village, 30% of the population is literate. The population of the village is 6,600. Then the number of literate is that we have to find out. Can you solve this? I'm giving you 2 minutes. Please try this one. Anyone got the answer? It's easy, right? So what do we have to do? Simply, if you are talking about 30% of the population is literate, तो भाई बाकी के लोग इलिटरेट हो गए. सिंपल एज दैट. यानी अगर हमारा टोटल पॉपुलेशन 6,600, उसका 70% क्या हो गया, इलिटरेट हो गए. तो 6,600 का 70% निकालना है, तो क्या आपका आंसर कितना आ जाएगा? दैट्स इट, दैट्स इट व्हाट वी हैव टू डू, नथिंग एल्स. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग. चलो तो एक बार क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग द परसेंटेज चेंज इन अ नंबर व्हेन इट्स फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% देन डिक्रीज बाय 10% इज लाइक दैट इज द सेम यार, नो चेंज ओवर देयर. नाउ दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सक्सेसिव चेंज. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सक्सेसिव चेंज दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट सक्सेसिव थिंग, then we have to understand this thing.
जैसे मान लो यार आप आज 10,000 कमा रहे हो, ठीक है, अगर आप 10,000 अर्न करते हो मंथली, आपके मैनेजर ने बोला आप अच्छा करो आपको 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, खुश हो गए आपने अच्छा किया 10% इंक्रीमेंट मिला, आपकी सैलरी कितनी होगी, 11,000 हो जाएगी, 10,000 + 1,000 बिकॉज 10% इंक्रीमेंट मिल रहा है, विल गेट 11,000। अब अगर उसने अगले महीने उसके 10% और काट लिया उसमें से, तो क्या अभी भी आप 10,000 ही कमाओगे? नहीं, क्योंकि अभी जो 10% डिक्रीमेंट होगा वो 10,000 पे नहीं होगा, वो 11,000 पे होगा। तो 11,000 का 10% कितना आएगा, 1,100 रुपए आएंगे, तो यानी आपकी सैलरी 10,000 नहीं रहेगी, 9,900 हो जाएगी। दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वेन वी आर इंक्रीजिंग एनीथिंग विद द सेम परसेंटेज एंड डिक्रीजिंग विद द सेम परसेंटेज, देन दैट वोंट बी द सेम वैल्यू, ठीक है, दैट वोंट बी द सेम वैल्यू, सो दैट इज वाई वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ठीक है, अगर हम इस कंटिन्यूएशन को समझते हैं तो ये सक्सेसिव परसेंटेज क्या कहता है, फॉर्मूला इज ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये अपना फॉर्मूला, ए क्या है पहला परसेंटेज चेंज, बी क्या है दूसरा परसेंटेज चेंज, दैट्स इट। यहाँ पे 10% से डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यू हैव टू पुट द वैल्यू इन द सेम मैनर, यू हैव टू पुट द वैल्यू इन द सेम मैनर। यहाँ पे क्या करूंगा, पहले डिक्रीज है तो इसको -10 रखूंगा, प्लस ये +10 है इसको ऐसे रखो, फिर -10 × +10 करना है अपने को 100, ये कैलकुलेशन कुछ ऐसा नजर आएगा, -10 + 10 तो 0 हो गया, ठीक है, -10 × 10 100 होगा, दैट्स इट। लेकिन -100 होगा तो -100 / 100 क्या होगा, दैट इज 1 बट -1, तो -1 आएगा ओवरऑल वैल्यू, वी आर गेटिंग अ ओवरऑल डिक्रीमेंट ऑफ 1%, दैट्स व्हाई आंसर 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला टू हेल्प व्हेनेवर देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज और सक्सेसिव इंक्रीज, अगर 2 बार इंक्रीज हो जाता क्या 20% इंक्रीज होता, नहीं, दैट वुड बी इंक्रीज ऑफ 21%, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके आगे बढ़ते हम लोग, चलो लेट्स ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन 14 वाला। व्हाट से अ पर्सन हु स्पेंड्स 66 कंप्लीट 2/3% ऑफ हिज इनकम एबल टू सेव 1200 पर मंथ हिज मंथली एक्सपेंसेस इन रुपीस, अगर मैं कहूँ इफ आई एम अर्निंग अ टोटल वैल्यू ऑफ 100% वैल्यू, दिस इज माई इनकम। अब जो होता है एक्सपेंस और जो सेविंग वो इनकम में से निकल के आता है, तो अगर हमने कहा है कि हमारा एक्सपेंस है 66.66%, जो 2/3 है 0.66 है, ठीक है, तो सेविंग्स कितनी होगी 33.33% होगी। नाउ इन टर्म्स ऑफ अगर फ्रैक्शन देखा जाए, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन अगर देखा जाए, आई कैन से दिस एज 1/3, दिस एज 2/3, दिस एज 3/3, ये मैंने फ्रैक्शन में क्यों किया, मुझे डेसिमल अच्छा नहीं लगा कैलकुलेशन के लिए, दैट्स आई एम यूजिंग दिस एज फ्रैक्शन, दिस इज 2/3 वैल्यू, दिस इज 1/3, मिला के 3/3 बन गया, दैट इज द कंप्लीट वैल्यू। अगर हम सेविंग्स की बात करें तो आई एम गेटिंग 1/3 वैल्यू इज 1200, तो कंप्लीट वैल्यू कितनी बनेगी 3600 बन जाएगी, तो कंप्लीट वैल्यू कितनी बन जाएगी, यानी इनकम कितनी बन गई 3600 बन गई, तो एक्सपेंडिचर कितना निकल के आएगा, एक्सपेंडिचर निकल के आएगा 2400, और जो आपका सेविंग्स होगा कितना होगा वो 1200 दिए ही है, दैट्स आवर दिस, तो ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा सेविंग्स 1200 और टोटल इनकम 3600 यानी 3600। सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज, तो अपना आंसर क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंसेस कितना है, एक्सपेंसेस है 2400, सिंपल क्वेश्चन, ओके, बस हमें इन रिलेशन फॉर्म करने आना चाहिए, दैट्स इट। चलो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, दैट इज 15th वन, व्हाट इज आस्किंग, अ वर्कर सफर्स अ 20% कट इन वेजेस, ही मे regain his original wages by obtaining a rise of how much? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि हमें ये समझना है कि उसकी वैल्यू जो डिक्रीज हुई है वो डिक्रीज वैल्यू के बाद इंक्रीज पे जाना है हमें या ओरिजिनल वैल्यू पे जाना है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, अगर जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था थोड़ी देर पहले, अगर मैं मान लू कि लेट्स से एक पर्सन इसको 100 रुपए मिल रहा है, इज गेटिंग 100 रुपीज पर डे वेजेस,
अगर उसको 20% कट हो जाएगा, -20% कितना होगा, उसको मिला अभी 80, अब उसको रीगेन करना है वापस 100 बनाना है, 80 को 100 बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 का इंक्रीमेंट दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो 20 का इंक्रीमेंट किसके ऊपर है, 80 के क्या 100, 80 के ऊपर है। तो जब भी हम इंक्रीमेंट दिखाएंगे तो ये समझना जरूरी है उसका बेस पॉइंट क्या है, उसको कौन सी वैल्यू के ऊपर बढ़ाया जा रहा है या फिर कौन सी वैल्यू के ऊपर घटाया जा रहा है। जैसे कि हमने सैलरी वाले एग्जांपल में देखा कौन सी वैल्यू थी जिस बेसिस पॉइंट पे हमारा इनकम बढ़ेगा या तो घटेगा, क्योंकि वही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, इस क्वेश्चन भी हमें समझना जरूरी था कि 20 रुपीज तो बढ़ाना है उसकी सैलरी को, बट 80 पे बढ़ाना है उसको कितना परसेंट का इंक्रीमेंट शो करना होगा। अब यू लाइक 20% इंक्रीमेंट, ना मेरे भाई 20% नहीं होगा, क्योंकि बेसिस पॉइंट 80 है, 100 नहीं है। तो हम 20 का इंक्रीमेंट देंगे किस पे, 80 पे देंगे, into 100, तो दैट्स हाउ इट विल बी। तो 20 × 4 तो 1/4 सजेस्ट अस 25% इंक्रीमेंट, नॉट 20% इंक्रीमेंट। सो दैट्स व्हाई आई सेड ये समझना जरूरी है कि न्यूमरेटर में कौन आएगा और डिनोमिनेटर में कौन आएगा, यही दोनों ही हेल्पफुल होते हैं किसी भी परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए। तो याद रहेगा ये चीज, न्यूमरेटर में कौन आएगा ये ढूंढो और डिनोमिनेटर में कौन आएगा ये ढूंढो, आपका परसेंटेज हो गया कैलकुलेशन। आई होप सबको समझ में आई चीजें जो हमने डिस्कस किया अभी। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी हैव डिफरेंट क्वेश्चंस इन डिफरेंट वेरिएशन। ऑब्वियस सी बात है, हर क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन अलग तरीके से प्रेजेंट की जाती है। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम कैलकुलेशन में कौन सी वैल्यू को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ इट इज। सो नाउ यू हैव टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, प्रैक्टिस दिस। इफ यू गेट एनी डाउट प्लीज गेट इन टच। ओके, आप डाउट्स अपने पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। ओके।